नमस्ते, शुभ सरस्वती पुजो एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड नॉट टू फॉरगेट टुडे इज द पुलवामा अटैक डे सो वी शुड ऑल्सो मून फॉर दैट डे आई कैन स्पीक सो मच इन अ लाउडर फॉर्म बिकॉज एज यू नो आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज फिजिकली सो वी शुड ऑल्सो moon for few minutes to the martyrs who lost their life today. So it is what we say, it's a platter day. It's a platter of two good things along with one mourning things also. So I want to say that may their soul rest in peace in heaven. And I pledge that you all should also mourn and keep a silence for a second so that we can give that condolence to all the families of the martyrs. Coming to the point. आज मैं हाँ मैं हिंदी में बोल रही हूँ. आज मैंने एक वाइट साड़ी पहनी है. जैसे कि मैंने बोला कि मैं बचपन से सरस्वती पूजा में कभी मैं शायद ही मैंने येलो साड़ी पहनी होगी. हर वक्त मैं माँ की साड़ी पहनती हूँ. तो आज का थीम ये माँ सरस्वती का है. तो मैंने एक फ्यूशन का थीम आई चुका. ये है नेट, वाइट नेट साड़ी. इसके साथ मैंने आप कोई अगर व्हाइट के साथ व्हाइट ब्लाउज भी पहन सकते हैं. लेकिन मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट किया है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम ज्वेलरी. मैंने सिल्वर ब्लाउज टीम अप किया है एंड उसके साथ ऑर्नामेंट्स जो है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का वो है सिल्वर. इसमें पर्ल और सिल्वर है क्योंकि पर्ल मैंने इसलिए दिया है सिंस आई एम वेरी व्हाइट साड़ी एंड इट इज़ अ कॉटन नेट. इट इज़ वेरी गुड फॉर द समर. You can wear this for the summer. आप समर में ये पहन सकते हैं. कॉटन नेट विथ डॉट्स. इसमें थोड़ा सा फॉयल डॉट्स है. कॉटन फॉयल डॉट्स है. सिंथेटिक फॉयल डॉट्स नहीं. जो हाँ ब्रश नहीं मारा जाता नेट साड़ी में वॉश करने के लिए. मैंने बहुत आई प्रेफर फॉर ड्राई क्लीनिंग. ये है साड़ी. ये है थीम. और क्योंकि बासुंती कलर एक अहमियत रखते हैं माँ सरस्वती के दिन में. तो आई टाई माई हेयर जस्ट लाइक शकुंतला. ना शकुंतला का हेयर थोड़ा सा टिल्टेड होता है. मैंने ये टाई करके रखा है. ये मेरे जो जुड़ा है जो बन है आप लोग देखना चाहते हैं वो पूरा बन को कवर नहीं किया है ये जुड़ा. तो मैंने जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की है एंड सिंपल रखा है. उसके साथ मैंने सिंस आई यूज मेरून टी so I went for brown maroon nail paints together with makeup. normal मैं हर वक्त कहती हूँ कि makeup ऐसे किया जाए कि मुंह धोने के बाद आप पहचाने जाए कि before and after आप वही हो. क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मैं makeup के बगैर भी मैं वैसे ही रहती हूँ और makeup के बाद भी वैसे रहती हूँ. थोड़ा सा touch up रहता है. तो आई यूज मेकअप टू टूडे. और एक बात बोलूँ, समर हो या विंटर हो जब हम मैट लिपस्टिक, आजकल मैट का बहुत ज़माना है. मैट लिपस्टिक हम जब ग्लॉस मैट ग्लॉस में लगाते हैं तो उसके पहले आप होठों पे लिप ऑयल लगाइए. लिप बाम नहीं, लिप ऑयल लगाइए. लिप बाम लगा के आप बाहर जाएंगे तो आपके होंठ काले हो जाएंगे. अब देखिएगा हर वक्त मैं लिपस्टिक लगा के रहती हूँ. ये मुझे अच्छा लगता है. कुछ भी हो या ना हो मैं लिपस्टिक लगा लेकिन मेरे होंठ कभी काले नहीं पड़ते बिकॉज लिप बम लगा के रात को सोना चाहिए. और लिप ऑयल है वो अलग चीज़ है. आप लिप ऑयल बेस में लगाइए. चाहे आप कितने भी कॉस्टली लिपस्टिक यूज करिए. मैंने जैसे आज दो कॉम्बिनेशन के यूज़ किया, एक लैक्मे का एक मेबेलिन का. तो चाहे आप जितना भी कॉस्टली लिपस्टिक यूज करिए जब आप मैट में आएंगे तो चैप लिपस्ट हो जाएगा. कुछ देर के बाद चैप लिपस्ट हो जाएगा जो कि मेरा नहीं होता है क्योंकि मैं बेस में लिप ऑयल यूज कर लेती हूँ. लिप ऑयल यूज करने के बाद मैं थोड़ी देर उसको रहने देती हूँ. करीबन एक मिनट में रहने देती हूँ. मैं तो तब तक मेकअप कर ही रही हूँ
रहने देती हूँ, उसके बाद मैं इसको लिपस्टिक उसके बाद मैं डालती हूँ ताकि चैप लिप्स ना रह सके। हालांकि ये सब शूट मैं घर में ही करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं जब भी बाहर भी निकलती हूँ, मैं 2-3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तब तक मैं जब तक बाहर से घर आऊँ, ऐसा ना लगे कि घर से निकली है एक इंसान, घर वापस आई एक चूल्हे। जी नहीं, मेरा मेकअप कभी वैसा नहीं होता है। एंड एज यूजल आईज मेकअप आपको तो मालूम है, इट्स ऑल लैक्मे ब्लेस्ड। सो आप लोगों के कहने पे मैं आज, बहुत लोगों ने कहा कि आप सफ़ेद साड़ी में आइए, सफ़ेद साड़ी में आइए, और ये मैं सफ़ेद साड़ी में आज आई हूँ। और देखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि कैसे मैं लग रही हूँ आज इस साड़ी में। और जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होते जाएगी, आप लोग निराश ना होइए कि मैं बिल्कुल सारी वीडियोज़ लाऊँगी, क्योंकि मैं गुमान नहीं कर रही हूँ, मैं ये सच्ची बात बोल रही हूँ, जो मेरे पर्सनल लेवल पे जानते हैं। ये वीडियोस तो सिर्फ अनजान लोग नहीं ले रहे, बहुत सारे मेरे जान पहचान, मेरे दोस्त लोग, मेरे टीचर्स, प्रोफेसर सब देख रहे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि मैं कितनी फैशनेबल हूँ बचपन से, क्योंकि ये मुझे विरासत में मेरी माँ से मिली है। तो आज के तारीख में, जब मेरी माँ नहीं रही, आज के तारीख में मेरी साड़ीज़ और मेरी माँ का मिला के करीबन 10,000 साड़ीज़ है। तो 10,000 साड़ीज़ का अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊं तो करीबन 10 साल लग जाएगा शायद, क्योंकि मुझ में तो वो क्षमता नहीं है कि रोज़ मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, नहीं, मुझ में वो क्षमता नहीं है। लास्ट कब वीडियो बनाया था, देखिए आज मैं बना रही हूं, और एक पावन दिन है, उसके साथ एक दुख का भी दिन है, और ये सब मेरे बच्चे। और मैंने जैसे कहा था आप लोगों को कि मैं जो भी करती हूँ इन बच्चों के लिए खातिर ही करती हूँ, वरना मेरी इस हालत में, मेरी इस तबीयत, मेरी इस मेंटल हालत में मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, अनटिल अनलेस आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम। ये मेरी माँ ने मुझे रिस्पॉन्सिव दी है, और ये मैं अब मैं माँ के लिए नहीं, मैं खुद की अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहती हूँ। जीने का कोई तो एक मकसद होना चाहिए ना, जब मैं जी रही हूँ तो कुछ करूँ। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अगर सच्ची में मानते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा बैंक डिटेल्स रहेगा, आप लोग 1 रुपये से लेके कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन बच्चों के लिए, और इन जैसे और भी बच्चे हैं जिनको मैं रेस्क्यू करती रहती हूँ, कुछ को बचा सकती हूँ, कुछ को, मतलब हर किसी को मैं घर में नहीं रख सकती, लेकिन क्योंकि इन लोगों में यूनिटी नहीं है, जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में देखा कि लास्ट में जब हो गया था तो पूरा मेस्ट अप हो गया था, वो वेस्टर्न आउटफिट्स में जो था मेरा, डिवाइडेड स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप ट्यूनिक में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डे आफ्टर डे मैं रेस्क्यू की सीमा बढ़ा रही हूँ। कुछ लोग अगर, कुछ मतलब एडल्ट जो होते हैं, अगर वो इंजर्ड होते हैं तो उन लोग को, उनका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के वही जगह में छोड़ देती हूँ। और बहुत से है कि अपने आप हंट करके खा नहीं पाते, जो मेंटल है, जैसे कि आपने देखा टब्लू टोटल मेंटल है, जिसका पैर वैर टूट गया है या कुछ प्रॉब्लम है, ये एक कान नहीं है, ऐसा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ घर में रखने के लिए। लेकिन मेरा घर, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि घर इतना गंदा क्यों है। जी नहीं, मैं, ये आर्मी ऑफिसर का घर है, ये घर बहुत पॉलिश्ड रहता था, लेकिन जहाँ इतने सारे, देखिए दो दो मौत हो चुकी है इस घर में, और जहाँ तक इतने सारे डॉगीज रहेंगे, तो मैं तो कोई ट्रेनर रख के इन लोगों को ट्रेन नहीं करती, इतने सारे डॉगीज रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बाहर जाके तो कोई बदमाशी नहीं करते, बाहर जाके घर में रह के, बाहर जाके पॉटी वगैरह नहीं करते, सब घर में ही करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक टाइम आएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने सोचा है, अभी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इनके लिए अलग सा घर बना सकूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब मेरे ऊपर ही सब टूट पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का आदत है माँ के साथ रहना। तो यही है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं सोफ़ास वगैरह ठीक करूँगी, जैसे ये देखिए मेरे सोफ़ा का क्या है, ये मेरे पापा का सोफ़ा था, इसमें सिर्फ इसी सोफ़ा में मेरे पापा बैठा करते थे, इस सोफ़ा का क्या खाल कर दिया, ये हल्द्वानी से ये सेट लाया गया था सोफ़ा का, ये सेट सोफ़ा का सेट हल्द्वानी से पापा जब
PRS लेके आ रहे थे तो हल्द्वानी से लाया गए थे। तो अभी ये हालत है घर की, लेकिन एक चीज़ में मैं संतुष्ट हूँ कि मेरा अपना खुद का घर है भगवान के आशीर्वाद से, और हर चीज़ से भगवान ने मुझे बचा के रखा है। तो उतना कुछ शौक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं किस खानदान से बिलोंग करती हूँ, सब कुछ दुनिया जानती है, तो मुझे उतने शौक करने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल घर को ऑर्गेनाइज रखना, अब कोई है नहीं। और दूसरी बात, इतने सारे मैं जब जॉगीज को रेस्क्यू करके रखती हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि घर को भी ऑर्गेनाइज करके रखूँ, सब कुछ रखूँ, क्योंकि मेरे में वो क्षमता नहीं है, एज यू नो माई हेल्थ कंडीशन। तो ऑन हैप्पी नोट आई रेस्ट माई वीडियो हियर। आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ आप सभी के लिए। नमस्कार।